गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम मेरा रोहित चौहान और काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस थाईलैंड का, बैंकॉक का, बहुत वंडरफुल। दूसरा मेरा ट्रिप बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। बस दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि पैसा तो बहुत सारे लोग कमाते हैं पर हर इंसान ज़िंदगी को जी नहीं पाता। पैसा बहुत सारे लोग कमाते हैं पर हर इंसान ज़िंदगी को जी नहीं पाता। बहुत सारे लोग काटते रहते हैं ज़िंदगी पर वेस्टीज एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको पैसे के साथ साथ एक जीने का भी मौका मिलता है। एक होता है काम के साथ मजे करना, एक होता है मजे से काम करना। तो वेस्टीज मजे से काम करना सिखाती है। आज हम क्या नाम है, पैसे के साथ साथ आज जिंदगी को जीते भी हैं। साल में दो फॉरेन ट्रिप है ना, घूमना फिरना, इंजॉयमेंट, कोई बॉस नहीं, अपनी ज़िंदगी के खुद के मालिक। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, बहुत ज़बरदस्त। पर दोस्त ज़िंदगी आपकी है, इसको काटना है या जीना है ये डिसाइड दूसरों को नहीं करना, ये अपने को करना है। जब ऊपर वाला मौका देता है तो बहुत सारे लोग उसको धोखा समझ लेते हैं और बहुत सारे लोग उसको मौका, जो धोखा समझते हैं वहीं का बहरे जाते हैं, जो मौका समझते हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो आपकी लाइफ में अगर वेस्ट ही जाए तो इसको धोखा बिल्कुल मत समझना। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस चीज को स्टार्ट करो, बहुत अच्छा है इस चीज सिस्टम, क्योंकि जॉब से कुछ नहीं होता। और मेरा चौथा वर्ण मतलब अमेजिंग है और थाईलैंड वेरी गुड, मतलब अमेजिंग। अगर आप आओगे ना तो आपको रूम मिलेगा, मैं हर देश यात्रा करूँ। थैंक यू सो मच। तीन, हाँ हेलो माय डियर फ्रेंड, मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लिटरली माय डियर फ्रेंड, आज लाइफ को बहुत ये मेरा फर्स्ट फॉरेन ट्रिप था मेरी लाइफ के अंदर, जिसे मैंने बहुत एंजॉय करा। लिटरली बहुत मजा आया एंड पूरा बैंकॉक, पूरा पटाया हम लोगों ने घुमा एंड वो सारी चीजें हमने लाइफ के अंदर करी जो कहीं ना कहीं मैं लाइफ में कभी कर नहीं पाया था, और ये सब हो पाया इस चीज के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जब वेस्ट दिखाई गई थी तो एक सपना लिया था कि आएंगे, फॉरेन टूर करेंगे, और करते गए एक विश्वास था कि हाँ हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ आज विश्वास की वजह से जो हमने टूर किया आज बैंकॉक थाईलैंड। पिछले चार दिन से हम बैंकॉक थाईलैंड में घूम रहे हैं, पता ही नहीं लगा कि चार दिन कैसे बीत गए। असल में भी जिंदगी इतनी खूबसूरत होती है, मुझे अब जाके पता लगा ये सारी चीजें मुझे मिल पाई वेस्ट चीज की बदौलत। माय डियर फ्रेंड, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो दो साल सही तरीके से मेहनत कर लो, क्योंकि मुझे सही तरीके से मैंने दो साल मेहनत की, उसी मेहनत ने आज आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना ऊपर वाला 100 गुना मल्टीप्लाई करके देगा आपको। जैसा कि आज हम सारे रोहित जी हो गए, सचिन जी, मेरी टीम से 4 मेंबर आए, काफी लोग, लगभग 1700 लोग आज वेस्टइंडीज के फॉरेन टूर के अंदर आए हैं, जो जिन्होंने बहुत सारा एंजॉय किया। आप भी आ सकते हो अगर सही तरीके से अपना वर्क करो। ओके, थैंक यू सो मच विदेश, थैंक यू सो मच। अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, वेस्टीज को स्टार्ट करा था मैंने सोचा लाइफ के अंदर सपने बहुत बड़े बड़े थे, एक मेरा सपना उन कई सपनों में से एक था फॉरेन टूर का, एंड आज वो ट्रू होके दिखा रहा है, ट्रू हो चुका है। अब 4 से 5 दिन हो गए मैं फॉरेन टूर के अंदर, फुल मस्ती, फुल इंजॉय। मैं जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कंट्री कोई भी घूमे पर थाईलैंड एक बार बहुत बढ़िया कंट्री है, जबरदस्त घूमे। थैंक यू सो मच, विश यू वेल। मॉर्निंग एवरीवन। उन्होंने 2 साल पहले लिया हुआ डिसीजन ठीक रहा, इस चीज को स्टार्ट करा था अपनी ग्रेजुएशन के स्टार्ट फर्स्ट ईयर में, एंड आज मैं सेकंड ईयर में हूँ। और आज के टाइम में 29 से 35 हज़ार रुपये की इनकम वेस्टीज से पार्ट टाइम में चल रही है विद माई स्टडी। और पिछले 4 दिन से मैं वेस्टीज की तरफ से बैंकॉक घूमने आया, तो ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की बदौलत। बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई, लेकिन सबसे पहली बात यही थी कि मैं अपने गोल्स के प्रति और अपने टारगेट के प्रति सीरियस रहा। और आज के दिन में पिछले 4-5 दिन से मैं बैंकॉक के अंदर ऐश कर रहा हूँ, और विद इन 10-11 मंथ मैं अपने लिए इसी बिजनेस से 10 से 12 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो दोस्त शुरुआत में नहीं आए, जो मजाक उड़ाते, मैंने कई लोगों को, दोस्तों को प्रेजेंटेशन दिखाई, जिसमें से एक ने मेरे पास विश्वास करा, और सबसे बड़ी बात उस इंसान ने विश्वास करा नहीं करा, और आज वो मेरे साथ बैंकॉक घूमने आया है, मिस्टर तरुण शर्मा जी। एंड उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। आज कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि बैंकॉक घूम जाएंगे। तो बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अपने गोल्स के प्रति सीरियस रहो, टारगेट बना के काम करो। विश यू वेल।